अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप किसी मीडियम का कंपैरिजन, जैसे मीडियम एम का कंपैरिजन आप वैक्यूम से करते हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। जब भी आप कंपेयर करोगे वैक्यूम के साथ, ठीक है, एयर के साथ नहीं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और वैक्यूम का अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वैक्यूम के साथ जब भी आप कंपेयर करोगे तो उसको आप एब्सोल्यूट बोलोगे। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मान लो ग्लास का वाटर के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप किसी दूसरे मीडियम, वैक्यूम को छोड़ के किसी भी दूसरे मीडियम के साथ आप कंपेयर करोगे किसी मीडियम का, और ये ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ये पॉइंट याद रहेगा।